क्या पवन सिंह आएंगे तेजस्वी के साथ? बिहार के आरा से लड़ेंगे चुनाव? क्या पवन सिंह और तेजस्वी यादव दिखेंगे एक मंच पर? क्या पवन सिंह भाजपा को छोड़ राजद ज्वाइन करेंगे? इन दिनों राजनीतिक गलियारों में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही गाजे बाजे के साथ पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने सभी को चौंकाते हुए आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के बाद भाजपा की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि इससे पहले भाजपा के मौजूदा सांसद गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा भी खुद ही लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जता चुके हैं। अब एक के बाद एक लोग भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जता रहे हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगना और सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये भी है कि मोदी की गारंटी में क्या दावेदारी छोड़ने वालों को जीत की गारंटी नहीं दिख रही, या मोदी लहर पूरी तरह खत्म होने का संकेत है। खैर, वजह जो भी हो, पवन सिंह ने आसनसोल से अपनी दावेदारी वापस लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अफवाहों की माने तो पवन सिंह भाजपा नहीं बल्कि राजद के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर उनके सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ राजद समर्थक भी अब पवन सिंह के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। इससे भी कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। खाली दैनिक जागरण ही नहीं, जी बिहार झारखंड भी राजद और पवन सिंह की बातचीत की ओर इशारा कर रहा है। जी बिहार झारखंड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से राजद संपर्क में है। वो पवन सिंह को उनके गृह जिला आरा से लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने के लिए तैयार है। बहरहाल, अगर इन सूत्रों को हमने सच्चाई में बदलते देखा तो पवन सिंह आपको तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए दिख सकते हैं। साथ ही पवन सिंह राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं।